हम जानते हैं इस बात को कि इन किसान नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जागी हुई हैं, इसीलिए ये आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पंजाब और यूपी के चुनाव तक हम कोई ना कोई बहाना बनाकर इस आंदोलन को जारी रखें ताकि इसका राजनीतिक लाभ हमें मिल सके, इसका किसानों से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो, हम जानते हैं इस बात को कि इन किसान नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जागी हुई हैं, इसीलिए ये आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पंजाब और यूपी के चुनाव तक हम कोई ना कोई बहाना बनाकर इस आंदोलन को जारी रखें ताकि इसका राजनीतिक लाभ हमें मिल सके, इसका किसानों से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो, हम जानते हैं इस बात को कि इन किसान नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जागी हुई हैं, इसीलिए ये आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पंजाब और यूपी के चुनाव तक हम कोई ना कोई बहाना बनाकर इस आंदोलन को जारी रखें ताकि इसका राजनीतिक लाभ हमें मिल सके, इसका किसानों से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो, हम जानते हैं इस बात को कि इन किसान नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जागी हुई हैं, इसीलिए ये आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पंजाब और यूपी के चुनाव तक हम कोई ना कोई बहाना बनाकर इस आंदोलन को जारी रखें ताकि इसका राजनीतिक लाभ हमें मिल सके, इसका किसानों से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो, हम जानते हैं इस बात को कि इन किसान नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जागी हुई हैं, इसीलिए ये आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पंजाब और यूपी के चुनाव तक हम कोई ना कोई बहाना बनाकर इस आंदोलन को जारी रखें ताकि इसका राजनीतिक लाभ हमें मिल सके, इसका किसानों से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो, हम जानते हैं इस बात को कि इन किसान नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जागी हुई हैं, इसीलिए ये आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पंजाब और यूपी के चुनाव तक हम कोई ना कोई बहाना बनाकर इस आंदोलन को जारी रखें ताकि इसका राजनीतिक लाभ हमें मिल सके, इसका किसानों से कोई ताल्लुक नहीं है।